बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा हटके होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो ये अनबॉक्स मैं करने जा रही हूँ वायरलेस माइक, जिसकी वजह से मेरे वीडियो में मतलब वॉइस का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने ये माइक लिया है, अब आप लोग को मेरे वीडियो में वॉइस का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ओके, चलिए इसको ट्राई करते, देखते कैसा है, इसका क्या प्राइस है, कैसा काम कर रहा है, अनबॉक्स करते इसको। ओके, तो गाइज इसको ओपन करने से पहले हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हम लोग को मिला है। ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, तो ट्रांसमीटर हम लोग के पास दो मिला है, अगर दो पर्सन बोलना चाहे तो वो बोल सकते हैं, और रिसीवर एक होता है जो कैमरा में लगता है। और विंड मफ मिला है हम लोग को दो, ठीक है, क्यों ये एयर को जो होता है उसको रिड्यूस करने के लिए, जो नॉइज़ होता है उसको रिड्यूस करने के लिए। तो ये हम लोग को मिला है वन विथ टू केबल, तो ये टू केबल से हम लोग ट्रांसमीटर रिसीवर को चार्ज कर सकते हैं दोनों को एक साथ। और DSLR केबल मिला है, इसको हम लोग अटैच करेंगे रिसीवर को इस वायर से DSLR कैमरा में। और ये हम लोग को ईयरफोन मिला है वॉइस सुनने के लिए, कि हम लोग जो बोल रहे हैं वो कैसा आ रहा है वॉइस, तो इससे हम लोग टू ईयरफोन्स हम लोग को मिला है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और सी टाइप केबल मिला है, जो हम लोग इसको फ़ोन में सी टाइप, जैसे एंड्रॉयड फ़ोन हो गया तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं ये माइक को, इसके वजह से ये सी टाइप केबल दिया उसको यूज़ करने के लिए। तो चलिए इसे ओपन करते और देखते हैं नेक्स्ट। तो गाइज अगर इसका MRP देखा जाए तो 6995 रुपीज़ है, बट हम लोग को मिला है 4300 रुपीज़ में, जो मैंने ऑफलाइन परचेज किया है शॉप से जाके। तो चलिए इसे खोलते और देखते हैं। तो इसमें हम लोग को रिसीव हुआ है, दो ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है। और क्या मिला है मुझे, ये केबल, जैसा कि मैंने बताया था इसमें दो केबल है, जिससे हम लोग एक साथ ये दो, अगर ट्रांसमीटर दो चार्ज करना तो एक साथ कर सकते हैं, या ट्रांसमीटर रिसीवर चार्ज एक साथ करना तो कर सकते हैं, ये उसके लिए केबल दिया गया है। नेक्स्ट है हम लोग के पास ये ईयरफोन है, जिससे हम लोग को वॉइस कैसा आ रहा है ये सुन सकते हैं। और ये केबल है जिससे हम लोग कनेक्ट करते हैं फ़ोन में, ये अगर कनेक्ट करना हो हम लोग को फ़ोन में, और मतलब ये DSLR के लिए है बट हम लोग इसको फ़ोन में भी कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। और ये है कैमरा के लिए, इससे कैमरा से कनेक्ट होगा ये हम लोग का रिसीवर। और ये सी टाइप केबल हम लोग को मिला है, और एक और हम लोग के पास है ईयरफोन, और हम लोग को दो विंड मफ मिला है, दो दो, वाओ ट्रांसमीटर यूज करने के लिए, क्योंकि हम लोग के पास, गाइस आप लोगों ने देखा कि इसमें क्या क्या है, अब हम लोग इसको टेस्ट करेंगे वॉइस टेस्ट कि कैसा है आ रहा और क्या होगा। तो गाइज हम लोग छत पे आ चुके हैं माइक को साउंड को टेस्ट करने के लिए कि कैसा इसका वॉइस आ रहा है, तो चलिए हम लोग टेस्ट करते हैं और देखते हैं। तो गाइज अब जो मेरा वॉइस आ रहा माइक के थ्रू आ रहा, तो आप लोग डिफरेंस देखिए कि पहले का वॉइस में और अभी का वॉइस में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और इसमें एक और चीज़ भी दिया गया है कि नॉइस कैंसिलेशन है, जो आउटर वॉइस है हम लोग का जो नॉइज़ होता है वो ना है। तो चलिए इसको भी ऑन करके देखते हैं कि क्या काम करता है। तो अब जो वॉइस आ रहा है, नॉइस कैंसिलेशन को ऑन कर दी हूँ मैं कि जो नॉइज़ है वो ना ले, सिर्फ मेरा वॉइस ले। और अब मैं इसका रेंज चेक करूँगी कि कहाँ रेंज तक, कितने रेंज तक ये ले पा रहा है। तो गाइज आप लोग देखिए, मैं इतनी दूरी पे हूँ फिर भी मेरा वॉइस आ रहा है, मतलब देखा जाए तो 10 से 15 कदम के दूरी पे ये जो है माइक अच्छे से काम कर पा रहा है। और इससे ज़्यादा दूर मैं जा रही हूँ तो मेरा जो है माइक डिसकनेक्टेड हो जा रहा है। तो ये अगर देखा जाए तो 10 से 15 तक ही कदम तक ही सही है, उसके बाद से अगर उससे दूर का करना है तो ये सही नहीं है इस रेंज में। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इसका जो रेंज है वो उतना ज़्यादा नहीं है, तो पर बिगनर के लिए बहुत अच्छा माइक है, जो मुझे चाहिए था कम रेंज में अच्छा है।
तो मैं अभी बिगनर हूँ, तो मेरे लिए बजट में आया तो मैंने ये परचेज किया और अच्छा लगा मुझे। तो अगर आप भी बिगनर है, नया माइक चाहते हैं कम रेंज में, तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अब मेरे ब्लॉग में वॉइस का कमी नहीं होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।